नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका बैंक अकाउंट है तो उसके अंदर आप कितने लोगों को आपके साथ जोड़ सकते हो, मतलब कितने लोगों का जॉइंट अकाउंट हो सकता है। मैं आपको बताता हूँ, इसकी कोई लिमिट नहीं है। जॉइंट अकाउंट होल्डर दो लोगों से ज़्यादा भी हो सकते हैं। आप 5 लोगों को भी एक ही अकाउंट में ज्वाइंट करवा सकते हैं, 10 लोगों को भी एक ही बैंक अकाउंट में ज्वाइंट करवा सकते हैं। जब आप ज्वाइंट करवाते हैं 200 दो से ज़्यादा लोगों को, तो जो अकाउंट में सिग्नेचर चलते हैं वो किसके चलते हैं? वो एक्चुअली तब आप अकाउंट ओपन करते हो तो आपको अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पर इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि आप कोई सा भी मोड ऑफ ऑपरेशन चूज कर सकते हो। आप चूज कर सकते हो एनी मन, मतलब यानी कि सभी लोगों में से कोई भी आके सिग्नेचर कर सकता है, या आप चूज कर सकते हो कि जॉइंटली 2 या 3 या 4 ऐसे लोग, उसमें से कोई भी जॉइंटली 3 4 लोग साइन करेंगे तब जाके कोई चेक पास होगा, या फिर आप यह भी कर सकते हो कि सभी लोग तब साइन करेंगे तभी चेक पास होगा। यानी कि इस तरह की फैसिलिटी भी आपको मोड ऑफ ऑपरेशन में मिलती है तब आपका अकाउंट ज्वाइंट होता है। अब ज्वाइंट अकाउंट कई बार हम जैसे सरकारी बैंकों में, तो सभी बैंकों में लगभग 0 बैलेंस है या 1000 2000 रुपये ही मिनिमम बैलेंस रखना होता है, लेकिन प्राइवेट बैंकों में मिनिमम बैलेंस की रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा होती है, 10 10 20 20 हज़ार। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, अगर आपको फैमिली में सभी के अकाउंट खोलने हैं तो आप एक अकाउंट खोलकर उसी को ज्वाइंट करवा लें। उससे क्या होगा, जो मिनिमम बैलेंस की रिक्वायरमेंट है वो उतनी ही रहती है। मतलब अगर आपका सिंगल अकाउंट है और उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट 15 हज़ार रुपये है, तो अगर यदि आप उसी सिंगल अकाउंट को ज्वाइंट करवा लेंगे 3 4 लोगों से, तो भी मिनिमम बैलेंस की रिक्वायरमेंट 15 हज़ार ही रहेगी। ये एक काफ़ी अच्छी सहूलियत है। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरा वीडियो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करवा के रखें बैंकिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए। धन्यवाद फ्रेंड्स।